हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित और अभी मैं नैनीताल और नेपाल बॉर्डर जाने के बाद पहुंच गया हूं आगरा सिटी मुलोगा शहर और जहां पर विश्व का वर्ल्ड का सातवां अजूबा है गाइस। तो अभी मैं यहां पे अपने दो दिन स्पेंड करूंगा और आपको यहां पे बताऊंगा कि दो दिन में आप कौन कौन सी लोकेशन घूम सकते हो इजिली और कहां कहां आप नॉर्मल जा सकते हो और क्या ऐसे जाओगे और क्या प्राइस वगैरह रहेगा, आपको सारा मैं बताऊँगा। और गाइस मैं आपको बता दूं तो जो आगरा शहर है ये 1504 ईस्वी में इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया गया था। और बाकी मैं अभी यहाँ का जो वर्ल्ड के सात अजूबे उसमें से एक अजूबा सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, जिसको देखे बिना कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाता है, ना ही किसी से रहा जाता है उसको देखे बिना। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा पहले, और यहाँ पे पूरा आपको टूर प्लान भी बताऊँगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप जा सकते हो। तो गाइस वेट करें अभी साथ में अजूबे का, तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ गाइस, कम ऑन। अभी हमने एंटर कर लिया है और इस टाइम ऑनलाइन मोड ही है टिकट का, आप ऑनलाइन ही करा सकते हो, अभी काउंटर वगैरह ओपन नहीं है। और अभी एंटर करके कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक मेरे पीछे वहाँ पे वो एग्जिट गेट है और ठीक इस साइड ये मेन एंट्री गेट है, मेन गेट है जहाँ से आप एंटर करोगे। और आगे जाके अमेजिंग व्यू ताज का मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो उसका वेट करें। तो यार जो आप मेरे ठीक पीछे ये जगह देख पा रहे हो, आपने इसकी काफ़ी ज़्यादा पिक्स देखी होंगी सोशल मीडिया में, इंस्टा में, फेसबुक में। तो ये वही प्लेस है जहाँ से आके हर कोई ताजमहल की पिक्स क्लिक करवाना चाहता है और करवाता है यहाँ के। और मेरी तरह के ले आओगे तो यहाँ पे आपको ऑफ़र मिल सकता है, जैसे यहाँ पे फोटोग्राफर वगैरह काफ़ी रहते हैं तो 40 और 50 रुपीज़ में वो हार्ड कॉपी दे देंगे और 20 रुपीज़ में सॉफ्ट कॉपी अपने डिजिटल कैमरा से क्लिक करके आपको दे देंगे। तो आप यहाँ पे आके अमेजिंग पिक्स लेके ज़रूर जाएँ, बिकॉज इतनी दूर आ रहे हो तो कुछ तो लेके जाओ यार यहाँ से। तो गाइस यार आप 45 की टिकट में यहाँ नीचे ही घूम सकते हो, अगर आपको ऊपर जाना है तो 200 की टिप्स लेनी पड़ेगी और यहाँ पे आपकी यहाँ से एंट्री होगी। और आपका मन कर जाता है यहाँ आके और आपके पास शूज़ कवर नहीं है जो कि कंपल्सरी अंदर जाने के लिए, तो आपको यहाँ पीछे वो ईज़िली मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank you.
तो आप ठीक जो मेरे पीछे ये मीनार देख पा रहे हो, ये थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है और वो इसलिए झुकी हुई है ताकि जब भी भूकंप वगैरह हो तो ये ताजमहल पे ना गिरे और इससे कोई भी नुकसान ना हो ताजमहल को। और गाइस मैं आपको बता दूँ तो जो ताजमहल की हाइट है वो कुतुब मीनार से भी 5 फीट ज़्यादा है, यानी उससे भी ज़्यादा हाइट है इसकी। बाकी अभी मैं आपको जैसे जैसे देखता हूँ वैसे वैसे बताते चलता हूँ। गाइस यहाँ पे जो आप ठीक पीछे मेरे देख पा रहे हैं, एक साइड मस्जिद है ताजमहल के और दूसरी साइड जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये उस टाइम का गेस्ट हाउस बोल सकते हो, यानी जब मेहमान वगैरह आते थे तो उनको वहाँ पे ठहराया जाता था उस साइड। ताजमहल जो अभी आपने मेरे साथ देखा, अंदर का व्यू भी दिखाया मैंने और अंदर तो कैमरा वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी अंदर ज़रूर विज़िट करें। 200 रुपीज़ इसका प्राइस है टिकट का यहाँ पे आने का। और यहाँ पे अंदर शाहजहाँ और मुमताज़ की कवर भी है और इसकी बुनियाद में बादशाह ने अपना दिल रखा है, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या ही कहूँ आपसे, ज़रूर आएँ। और ठीक इसके साथ है ये यमुना रिवर और इस साइड इसी साइड है मेहताब गार्डन, तो अभी मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा। और बाकी आपको ताजमहल कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे लेके चलता हूँ। जैसे ही आप ताजमहल से बाहर निकलोगे तो इन दुकानों में आप ये संगमरमर से बनी हुई चीज़ें और छोटे छोटे ताजमहल और ये हाथी वगैरह काफ़ी कुछ सामान है यहाँ पे जो आप देख भी सकते हो और ख़रीद कर अपने साथ ले जा भी सकते हो याद की तौर पे। अभी मैं ताजमहल के बाद पहुँच चुका हूँ आगरा फोर्ट और अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा और इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे पीछे चेक पॉइंट है जहाँ पे एंट्री होगी और आपकी चेकिंग वगैरह होगी और यहाँ पे टिकट का मोड ऑनलाइन ही है एंड यहाँ पे खाने पीने की चीज़ कोई भी अलाउड नहीं है, ट्रीपोर्ट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। और बाकी अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ बाकी आगे का भी। तो ये जो आप ठीक सामने मेरे देख पा रहे हो ये जहांगीर का बाथटब है जिसमें जहांगीर बचपन में नहाया करता था और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं और ये पहले ज़मीन में था बट अभी टूरिस्ट को दिखाने के लिए बाहर रखा हुआ है। ये इस फोर्ट की विंडोज़ है, खिड़कियां हैं और यहाँ से आप ताजमहल का अमेजिंग व्यू देख सकते हो। परंतु आप जैसे ही इन खिड़कियों से दूर जाओगे तो ताजमहल बड़ा होता जाएगा और जैसे नज़दीक जाओगे तो ताजमहल छोटा हो जाएगा।
तो अभी मैंने आपको आगरा का फोर्ट दिखा दिया, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए जा रहा हूँ गाइस, तो अभी मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ। तो गाइस यार अब मैं आगरा फोर्ट के बाद पहुंच चुका हूं इत्मादुद्दौला का मकबरा, जो कि काफ़ी अच्छी प्लेस है यहां पे। और यहां पे भी ऑनलाइन टिकट मोड है, 20 रुपया टिकट है। बट देख रहा हूं मैं हर जगह में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही है विज़िटर को, टूरिस्ट को पेमेंट करने में। वो मेरे को थोड़ी दिक्कत लगी, बट वो या कोविड के चलते यही पॉसिबल है। तो अभी मैं आपको ये वाली दिखाऊँगा, तो इन्जॉय करो। तो आप ठीक मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं इत्मादुद्दौला का मकबरा, और मैं आपको बता दूं तो इसे बेबी ताजमहल भी कहा जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां का बेबी ताजमहल। इत्मादुद्दौला और उनकी पत्नी असमत बेगम का मकबरा ये 1628 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, और इसे नूरजहां ने बनवाया था, और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और इसके अंदर इत्मादुद्दौला और उनकी पत्नी असमत बेगम की कब्र बनी हुई है, और इसके साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं। तो गाइस ये था इत्मादुद्दौला, और बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ भी ज़रूर आए मिनी ताजमहल को देख के इंजॉय करें। और इसके साथ ही यमुना रिवर है, बिल्कुल अमेजिंग, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, फीलिंग वेरी अमेजिंग। और यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम वैसे तो सर्दियों में विंटर टाइम ही है, गर्मियों में भी यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चलती है, बट सुबह एंड शाम दिन में तो गर्म हवा ही मिलेगी आपको। बट इस टाइम यहाँ पर दिन में विंटर टाइम भी टेम्परेचर ठीक ही है, तो गर्म है मौसम, थोड़ा दिन में धूप है, इंजॉय हो रहा है मस्त, ऐसे हवा अच्छी चल रही है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, जैसा कि आपने भी मेरे साथ देखा ही। तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए चलता हूँ गाइस, आपसे वहाँ जाके मिलता हूँ जहाँ पे आप जाके इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ मेहताबाग, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है और घूमने के लिए अच्छी जगह है यहाँ पे। बट यहाँ भी 24 है टिकट का प्राइस, बट यार जियो की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे हर जगह। तो अगर आपका जियो का सिम है तो थोड़ा ध्यान रखें, टिकट करने को ऑनलाइन काफ़ी परेशानी हो रही है। बट ऑप्शन भी हैं कई, अनदर हॉटस्पॉट दे रहे हैं या कुछ ऐसा हो जा रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ और इसके बारे में बताता भी हूँ। तो गाइस ये है मेहताबाग, जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अमेजिंग फूल और बगीचे और पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, तो ये बादशाह बाबर द्वारा बनवाया गया था, जो कि 11 पार्कों की श्रृंखला है, और ये यमुना नदी के पूर्वी तट पर बनाया गया है। और यहाँ पर 1656 ईस्वी में एक भयंकर बाढ़ आई थी यमुना नदी में, उसमें यह बिल्कुल ही अस्त व्यस्त नष्ट हो गया था। फिर उसके बाद 1996 में इसका पुनर्निर्माण किया गया, दोबारा से इसको वैसी कंडीशन में लाया गया और पर्यटकों के लिए खोला गया। और बाकी यहाँ से ताजमहल के अमेजिंग व्यू दिखाई देते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये वाला बाग। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह की शूटिंग भी होती है, जिसमें आप पीछे ताज के अमेजिंग व्यू देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह है, आप आराम से आ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो कहीं भी इजली यहाँ पे, और यहाँ से ताज के अमेजिंग व्यू देख सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ताज के कितने ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहे हैं। बट जब ये बाग बना था तो उस टाइम ताजमहल नहीं बना था, उससे पहले ये बनाया गया था, और उस टाइम ताजमहल की यहाँ पर कल्पना भी नहीं की गई थी, तो जब ये बन के तैयार हुआ था उस टाइम।
बट अभी यहाँ से ताजमहल के अमेजिंग व्यू आते हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अमेजिंग व्यू ताज के। गाइस यार अभी यहाँ पे धूप है दिन में, बट यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। पीछे ताजमहल आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस टाइम भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, बट इस टाइम इतना वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। और सुबह या शाम आओगे आप यहाँ पे, बट शाम को 5 बजे तक ही ओपन रहता है ये वाला मेहताब बाग। और आप आ सकते हो, मॉर्निंग में आ सकते हो यहाँ पे, और गर्मियों के टाइम तो दिन में ना ही आएँ, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। और अभी यहाँ से वैसे बिल्कुल अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है एकदम यमुना रिवर के साथ, तो आप मेरे साथ देख सकते हो। अभी मैं पहुँच चुका हूँ सदर मार्केट में, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको क्या मिल सकता है। वैसे तो यहाँ काफ़ी सस्ता है, आप यहाँ पे आ सकते हो और काफ़ी कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तभी दिखाता हूँ, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, कपड़े वगैरह ये वो सस्ते हैं, आ सकते हो आप यहाँ पे। तो आगरा में सबसे सस्ता आपको शूज़ और लेदर का सामान ही मिलेगा, तो आप यहाँ पे इजीली 500 से 1000 रुपये तक ब्रांडेड शूज़ ले सकते हो, बार्गेनिंग वगैरह करके आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी मैं आगरा के ऑलमोस्ट सारे प्लेस कवर करने के बाद पहुंच चुका हूं फतेहपुर सिकरी में, जो कि आगरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और बाकी मैं यहां का बता दूं तो 1569 ईस्वी में अकबर ने इस फतेहपुर सिकरी को बनाया था, और 1571 से लेकर 1585 तक ये मुग़लों की राजधानी भी रही। और इसका नाम पहले फतेहबाद था, फिर 1571 में जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो उसकी खुशी में इसका नाम बदलकर फतेहपुर रख दिया, फतेहपुर सिकरी रख दिया, फतेहपुर मतलब विजय की नगरी रख दिया। तो अभी मैं आपको यहाँ भी घुमाऊँगा कौन कौन से यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ पर भी पुरानी इतिहास है यहाँ पर, अभी मैं आपको वो बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी। और बाकी यहाँ पे गाइड वगैरह 50-100 रुपये में इजीली मिल जाते हैं, 10-20 रुपये में मिल जाते हैं। तो नॉर्मल यानी वो आपको 3-4 प्लेस यानी एक जगह में ऐसे दिखा देंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, आपको इजी रहेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कम ऑन। ये दरगाह है हज़रत सलीम चिश्ती की, जिनकी दुआओं से और आशीर्वाद से अकबर की रानी जोधाबाई को लड़का हुआ था। और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और मुरादें मांगते हैं, और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। गाइस अभी मैं बुलंद दरवाज़ा देखने के बाद दूसरी साइड आ गया हूँ, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको 35 रुपये टिकट करानी होगी, जो कि ऑनलाइन मोड है पेटीएम से।
गाइस आपको मुगलों का शहर आगरा कैसा लगा, और यहाँ पे मोस्टली सारे घूमने वाले प्लेसेस मैंने आपको बता ही दिए हैं जहाँ पे आप अपने इजली दो दिन स्पेंड कर सकते हो आराम से। तो आप ज़रूर आएँ आगरा, और भाई ताजमहल को मिस ना करें, ज़रूर देखें। सातवां वंडर, सातवां जूबा है इस दुनिया का, वो भी ज़रूर देखें आप। और बाकी मैं आपको बता दूँ, यहाँ रहने का, खाने का, पीने का तो रूम वगैरह इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे, 1000 से 1200 रुपए तक रूम वगैरह आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। और बाकी खाना इतना महंगा है नहीं, और बाकी टैक्सी वगैरह, ऊबर और ओला वगैरह कैब आप इजीली बुक कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्राइस वगैरह काफ़ी अच्छे पड़ेंगे। और बाकी ऑटो वगैरह भी, रिक्शा वगैरह काफ़ी चलते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी ट्रांसपोर्ट है, तो आप इजीली घूम सकते हो। और बाकी आप इन प्लेसेस पे घूमना चाहो तो गाइड वगैरह भी कर सकते हो, नॉर्मल 100 से लेकर 200-300 इतने तक ईजिली मिल जाता है, वो बार्गेनिंग वगैरह करके हो जाता है काम, वो आप ज़रूर कर ले बार्गेनिंग वगैरह। और बाकी ज़रूर आएँ घूमने, और वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ गाइस। और अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और जल्दी आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।